लाडो का परिवार गरीब था। लाडो के पति तोता राजा के महल में सिपाही का काम किया करते थे। लाडो भी अपने पति के साथ महल में साफ सफाई का काम किया करती थी। शादी के बहुत सालों तक लाडो की कोई संतान नहीं थी, लेकिन कुछ सालों बाद ऊपर वाले ने लाडो की माँ होने की ख्वाहिश पूरी की और लाडो का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हुआ। उसका नाम टीलू रखा था। लाडो टीलू से बहुत प्यार करती थी। जितना हो सके लाडो टीलू की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। टीलू के पिताजी भी टीलू से बहुत प्यार करते थे। टीलू अब 1 साल का होने वाला है और लाडो अपने बेटे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टीलू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया था और आज तो छुट्टी का दिन है। उसके पति घर पर ही है। लाडो रसोई में खाना पका रही थी। सुनिए जी। हाँ बोलो लाडो, क्या बात है? हमारा बेटा टीलू अब 1 साल का होने वाला है। मुझे मेरे बेटे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाना है। उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। आप राजा के महल में जाकर मुनीम जी से कुछ पैसे एडवांस लीजिए। मुझे बस्ती के सारे पशु पक्षियों को टीलू के जन्मदिन पर बुलाना है। मैं भी मीनू मौसी के पास जाकर आती हूँ। पिछले साल मैंने 6 महीने तक उनके घर काम किया था। उसके पैसे अभी तक उन्होंने नहीं दिए। ठीक है लाडो, तुम जाकर आओ, मैं भी मुनीम जी के घर जाकर आता हूँ। बल्लू घोंसले से उड़ जाता है और मुनीम जी के घोंसले के पास आ जाता है। मालिक, ओ मालिक, मैं हूँ बल्लू। मुनीम जी की पत्नी दरवाजा खोल देती है। अरे बल्लू, सुबह सुबह क्या काम है? सप्ताह में एक तो छुट्टी मिलती है नहीं, वो भी नसीब नहीं है। दिन रात उस राजा की ही सेवा में लगे रहते हैं। तभी अंदर से मुनीम जी आवाज लगाते हैं। अरे बल्लू, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। बोलो क्या काम है? मालिक, मेरे बेटे का पहला जन्मदिन आने वाला है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं उसी के बारे में बात करने आया था। ठीक है, पर वो सब बाद में। पहले एक काम करो, ये अनाज की सारी बोरियां इधर उधर पड़ी है, उन्हें एक कोने में ठीक से रख दो। जी मालिक, अभी रख देता हूँ। बल्लू सारी अनाज की बोरियों को एक एक करके एक कोने में रख देता है। हो गया मालिक, अब आप मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ बोलो। जी मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या मुझे थोड़े पैसे एडवांस में मिल सकते हैं? मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला है। पैसे और एडवांस? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने पहले ही तुम्हें बहुत सारा एडवांस दिया है, पहले उसे चुकता करो। मालिक, मैं पैसे चुका दूंगा, बस अब आखिरी बार दे दीजिए, मुझे मेरे बेटे को साइकिल लेकर देनी है। 1 रुपया नहीं मिलेगा। और हाँ, एक काम करो, कल से तुम डबल ड्यूटी करोगे। नए साल के मौके पर राजा जी के महल में कुछ परदेसी पंछी आने वाले हैं। अब जाओ तुम। बल्लू नाराज होकर घर वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद लाडू भी घर वापस आ जाती है। तभी बल्लू लाडू से पूछता है। क्या हुआ लाडो, मीनू मौसी ने तुम्हारे पैसे दे दिए? नहीं जी, उल्टा मीनू मौसी ने मुझे डांटा। उन्होंने कहा कि मेरे तुझ पर बहुत एहसान है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। आप बताइए, क्या आपको मिल गए पैसे? मुझे भी नहीं मिले लाडो, मुरिन जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कल से डबल ड्यूटी पर आने को कहा है। अब हम हमारे बेटे का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? दोनों सोचने लगे। तब तक टीलू खेल कर घर वापस आ जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मेरे बेटे, ये लो खाओ। थैंक यू मम्मी। माँ, क्या आपको पता है
कि आज मेरे दोस्त कालू का जन्मदिन है। उसने मुझे शाम को उसके घर पर बुलाया है। वो कह रहा था उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत बड़ा केक ऑर्डर किया है। माँ, मेरा जन्मदिन कब आने वाला है? मुझे भी मेरे बर्थडे पर बड़ा केक चाहिए। तुम लाओगी ना माँ? हाँ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए जरूर केक लाऊंगी। टीलू बहुत खुश हो जाता है और खाना खाकर फिर से खेलने के लिए निकल जाता है। लाडू बल्लू से कहती है, सुनिए जी, आप एक काम करो, साहूकार के पास जाकर कुछ पैसे बैच पर लाओ। मैं भी आपके साथ डबल ड्यूटी करूंगी और हम साहूकार का कर्जा चुका देंगे। ठीक है लाडू, अब यही एक रास्ता है। बल्लू उड़कर साहूकार के पास चला जाता है और साहूकार से कुछ पैसे बैच पर लेकर आता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और टीलू के जन्मदिन का दिन आ जाता है। सुनिए टीलू के पापा, आपको पता है ना आज क्या है? मुझे याद है लाडो, आज हमारे टीलू का जन्मदिन है। आज हम दोनों जल्दी घर आ जाएंगे। तुम शाम को सारे पशु पक्षियों को न्योता देकर घर आ जाना और मैं घर आते आते केक लेकर आऊंगा और साथ में मैं कालू कौवे को लेकर जाऊंगा। हमारे टीलू के लिए साइकिल जलानी है। चलो मैं निकलता हूँ। शाम हो जाती है। लाडो बस्ती के सारे पशु पक्षियों को एक एक कर न्योता देकर घर वापस आ जाती है। बल्लू भी घर आते आते केक लेकर आ जाता है। कालू कौवा भी उसके साथ था। थोड़ी ही देर में सारे पशु पक्षी लाडो के घर जमा हो जाते हैं। सारे पशु पक्षी टीलू को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। हमारा टीलू तो बहुत ही ज्यादा खुश है आज। मीनू मौसी भी जन्मदिन में शामिल हो गई थी। उससे ये खुशी देखी नहीं गई। और मीनू मौसी ने किचन में चुपके से जाकर केक को गिरा दिया। बड़ी आई जन्मदिन मनाने वाली। केक गिरा कर मीनू मौसी फिर से पार्टी में शामिल हो गई। जैसे ही लाडू केक लाने किचन में आ गई, उसने देखा कि सारा केक तो जमीन पर बिखरा हुआ था। तभी वहां पर गुंगा मौसी धीरे धीरे आ जाती है। अरे लाडू, ये क्या हुआ? देखिए ना मौसी, इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत से ये केक लाया था। पता नहीं ये कैसे हो गया। अब मैं क्या करूं? सारे बच्चे तो केक का वेट कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो लाडो, मैं हूँ ना। मैं जैसे कहती हूँ वैसा करो। क्या घर में केक बनाने की सामग्री है? हाँ मौसी, घर में सारा सामान है। ठीक है, अब मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करो। गुंगा मौसी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे लाडू चिड़िया करती गई। और देखते ही देखते कुछ ही देर में लाडू चिड़िया ने बहुत ही बढ़िया और शानदार केक बना लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौसी, अगर आज आप यहाँ नहीं होती तो न जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं लाडो, चलो अब सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। लाडू चिड़िया केक को लेकर पार्टी में शामिल हो जाती है। सारे मिलकर टीलू का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना।